हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू मिनी व्लॉग। आज डे टू है शूलिनी फेयर का। गौरा यहाँ पर अपने गुब्बारों से खेली थी, इसने बहुत सारे गुब्बारे ले लिए थे जो कि आपने शायद पिछले व्लॉग में देखा होगा। और अभी हम रेडी हुए हैं जाने के लिए क्योंकि आज गौरा के पापा का शो है। गौरा देखो कितनी प्यारी सी लग रही है, आज हमने इसके कुत्ते बनाई हैं और ये वही ड्रेस है जो इसने अपने लिए चूज़ की थी। तो गौरा के पापा भी आ गए, अभी देखते हैं ये अपने पापा के पास जाती है नहीं जाती है। बट ये ना भाग रही थी और खुश बहुत ज़्यादा हो रही थी क्योंकि बहुत दिनों बाद अपने पापा से मिली है। व्लॉग में तो मैंने ज़्यादा नहीं लिया बट इनको काफ़ी दिन हो चुके थे यहाँ पर आए हुए। ये पूजा मैम है, ये भी हमारे साथ जाएंगे और आ चुके पंकज जी जो अब इनको रेडी होना है यहाँ पर और उसके बाद हमें निकलना है ग्राउंड की तरफ। और गौरा तो फटाफट से अपने पापा के पास चली गई, अभी बड़ी हो चुकी है और अब भूलती नहीं है। बचपन में ये भूल जाया करती थी तो थोड़ा टाइम लगता था इसको मिक्सअप होने के लिए। तो हम निकल चुके हैं रूम से, यहाँ पर मैंगो लगे थे छोटे छोटे। पूजा मैम बोल रहे थे कि तुम तो यहीं से भी खा सकती हो, हम मार्केट से लाने की क्या ज़रूरत है। पिछले कुछ दिनों में बहुत गर्मी हो चुकी थी सोलन में, बट मौसम शूलिनी फेयर के टाइम बहुत अच्छा मौसम रहा। और अभी हम ग्राउंड पहुंच चुके हैं। आज यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्राउड लग रहा था, डे वन में उतना ज़्यादा नहीं था क्योंकि दो साइड डिवाइडेड था, झांकी भी निकल रही थी और यहाँ पर भी था, बट आज यहाँ पर काफ़ी क्राउड है। पहुंच चुके हैं हम यहाँ पर ग्राउंड। मेरे कैमरामैन और मेघना दीदी की अलग ही ट्यूनिंग चलती है यहाँ पर। अब मेरी टर्न आती है गौरा को फिर से एंटरटेन करने की क्योंकि ये इज्जत करी थी थोड़ा सा नीचे उतरने की और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दूर थी और क्राउड भी काफ़ी ज़्यादा था। ये आता है पंकज जीजू का फैन मोमेंट। और हम लोग पहले से ही डिसाइड करके आए थे कि हमको कोई वो नहीं चाहिए स्टार वाली फीलिंग, मतलब पंकज जीजू को कहते इस बार मैं फुल एंजॉय करने वाला हूँ अपने बीवी बच्चों के साथ। और गौरा भी यहाँ पर खूब मज़े कर रही थी, पीछे नाटियाँ चली हुई थी और ये खूब यहाँ पर मस्त एकदम डांस कर रही थी और बहुत ज़्यादा खुश होती है। आजकल ये चलना सीख रही है तो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है चलने में। और अभी हम जा रहे थे झूलों की साइड को। फिर यहाँ पर शुरू होता है इनका प्रोग्राम। किस किस ने देखा है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हो चुके हैं हम फ्री और अब हम जा रहे हैं झूले झूलने की साइड को। अभी भी आपको मेरी आवाज़ में थोड़ा सा नॉइस आ रहा होगा, मेले का क्राउड है क्योंकि जहाँ पर मैं रहती हूँ वहाँ पर थोड़े से मैं ग्राउंड के बिल्कुल नज़दीक रहती हूँ, वहाँ पर शोर है इसलिए आपको आ रहा होगा। अभी आज गौरा ने ज़िद करी इसको फिर से झूले पर बैठना और पंकज जीजू ने कहा कि चलो कल नानू ने बिठाया था, आज मेरी टर्न है, आज मैं इसको बिठा देता हूँ क्योंकि इसने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया इस वाले झूले में। आज तो गौरा अकेले बैठी थी, पहले अकेले बैठी थी, बाद में फिर एक और बच्चा गौरा के साथ बैठा था और देखो ये कितनी खुश हो रही है, कितने मज़े कर रही है। आज इसको थोड़ा सा जाना पहचाना सा लग रहा था ये सब कुछ और सबको बाय बाय करती आ रही थी सारी जनता को और बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। और इसको देख के हमें भी बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। यहाँ पर हम चल पड़े हैं दूसरे झूले की तरफ, बड़ी वाली ट्रेन जिसमें कल पापा गौरा बैठे थे। आज मेघना दीदी ने कहा कि हम सब बैठते हैं, मेरे को डर लग रहा था बट उन्होंने कहा कि अगर सब लोग बैठेंगे तभी हम बैठेंगे। और यहाँ पर मैं पंकज जीजू के साथ बैठ चुकी हूँ क्योंकि मैंने बोला मैं मेरे को तो डर लगता है तो मैं गौरा को अपने साथ तो बिल्कुल भी नहीं बैठा सकती, मैं डर जाऊँगी तो गौरा भी डर जाएगी। और सीरियसली बताऊँ तो इस वाली ट्रेन में बहुत ज़्यादा मज़ा आया, ये ज़्यादा तेज़ नहीं चल रही थी, नॉर्मल से स्पीड थी इसकी ना, इसमें कोई सर घूम रहा था और बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और फिर लगा कि नहीं इस पर बैठने का डिसीज़न बिल्कुल सही था। और मैंने और पंकज जीजू ने तो चिक्खे मारी इतनी ज़ोर ज़ोर की, पंकज जीजू बोलते कि तुम हुआ करती रहो, हुआ करने से डर बाहर निकल जाता है, तुम्हारे को डर भी नहीं लगेगा। बट सीरियसली बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। इसमें कौन कौन बैठा है प्लीज़ ये भी कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और आपका शूलिनी फेयर कैसा रहा ये भी बताइएगा। हमारा तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहा, हम बस इस ट्रेन में बैठे फिर काफ़ी ज़्यादा टाइम भी हो चुका था और गौरा का डिनर टाइम हो चुका था तो हम चल पड़े अपने रूम की तरफ। अभी हम थोड़ा राउंड वाले रोड पे हैं तो यहाँ पर भी शॉप्स वगैरह लगी हुई थी काफ़ी सारी, यहाँ पर ट्रैफिक बंद था, शॉप्स हर जगह पे लगी थी, कोटला नाला तक ट्रैफिक बंद था बाईपास से कोटला नाला और ओल्ड बस स्टैंड। यहाँ
वहाँ पर कुछ लोग मस्त एकदम डांस कर रहे थे और हम पहुँच चुके हैं मशरूम चौक के पास। और मशरूम चौक का माहौल देखो आप, कितना मस्त हुआ पड़ा है, क्या व्यू आ रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा था ये सब कुछ देख के। उसके बाद हमें प्यास लगी थी, सबसे पहले हमने पानी लिया, पानी पिया और खाना पैक करवाया और चले गए रूम की तरफ। अब मैं आपसे मिलूँगी अपने नए व्लॉग में। आई होप आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कॉमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।